मैरिटल अफेयर, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। आज ये बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो है इस तरफ बढ़ रही है। अगर किसी हस्बैंड या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ा जाता है तो क्या इस गलती को कोई माफ़ी है, क्या इस गलती को माफ़ कर दिया जाना चाहिए? सो आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज बहुत बढ़ रही है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ा जाता है, जब वो बात पति या पत्नी को दोनों में से एक को पता चल जाती, मान लीजिए हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पत्नी पकड़ लेती है उस चीज़ को, उस बात को, तो बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश होता है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज, घर का माहौल ख़राब हो जाता है और बहुत अजीब जैसा माहौल हो जाता है। तो क्या ऐसी कंडीशन में गलती को माफ़ कर दिया जाना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो पहले तो एक बात हमें ये समझनी है कि जब भी इस तरह का अफेयर किसी का पकड़ा जाता है तो उसके पीछे एक जेन्यून कारण देखना पड़ता है कि वजह क्या रही किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने की, क्यों दूसरे पार्टनर को ज़रूरत पड़ गई कि तीसरे इंसान की एंट्री उनकी लाइफ में हो जाए। क्या उनके बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप था, बहुत रिलेशन ख़राब थे उनके, मारपीट लड़ाई झगड़ा, वक्त ना देना, एक दूसरे की नीड को पूरा ना करना, एक दूसरे के कंसर्न को ना समझना, क्या ऐसा उनके बीच में चल रहा था और बहुत लंबे समय से चल रहा था? एक दूसरे को वो वक्त ही नहीं देते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान की इमोशनल नीड भी रहती है। दूसरा इंसान चाहता है जब वो परेशानी में है कि मेरा पार्टनर मुझे सुने, मुझे समझे, लेकिन दूसरा पार्टनर अपनी ही दुनिया में मस्त है, वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता कि मेरा पार्टनर मुझसे क्या चाह रहा है। क्या ऐसी बात है, या फिर कोई फिजिकल नीड है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, उसकी वजह से वो किसी तीसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गया? एक जेन्यून कारण जो है वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कला क्लेश करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, वो एक मैच्योर वे भी नहीं है, एक सही तरीका भी नहीं है उस प्रॉब्लम को हैंडल करने का। तो पहली बात तो ये है। और अगर पार्टनर जो पकड़ा गया है वो अब दुखी है, इस बात से अपनी गलती को मान रहा है, उसने एक्सेप्ट करा है कि मेरे से गलत हुआ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, तो हमें उस केस में बैठ के बातों को सॉर्ट आउट करना है। अगर आपका पार्टनर अब अपनी गलती को समझ रहा है और वो कह रहा है कि आगे से नहीं होगा, तो हमें इस चीज़ को समझना है और उसको एक मौका ज़रूर देना है। लेकिन दूसरा केस ऐसा भी रहता है कि जहाँ चोरी तो पकड़ी गई, गलती तो पकड़ी गई, लेकिन दूसरा इंसान मानने को तैयार ही नहीं है, वो उल्टा और वायलेंट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगा और वो बार बार ऐसी हरकतें करेगा और उसका एटीट्यूड, उसकी नीयत ही ख़राब है, क्योंकि वो बार बार इन चीज़ों को रिपीट कर रहा है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसी दिक्कत सामने आती है, फिर हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या अब इस गलती को माफ़ कर दिया जाना चाहिए। देखिए, जब इंसान की नीयत ही ख़राब है, उसका बिहेवियर, उसके नेचर ही ऐसी है कि वो चीट करता है, वो हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है, आपको भी वो धोखा दे रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ, ऐसे रिलेशनशिप में आप रहोगे तो ये बहुत टॉक्सिक होने वाला है, क्योंकि रोज़ लड़ाई झगड़े, रोज का जो कलेश है वो घर में रहेगा, आपका भी बहुत ज़्यादा जो मेंटल टॉर्चर है वो भी होता रहेगा, ऐसे रिलेशन बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर हमें ये समझना है कि हमने इतने मौके भी दिए फिर भी ये इंसान नहीं सुधर रहा, बार बार हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप में तो यही बेटर है कि आप उस रिश्ते से दूरियां बना लें, उस रिश्ते से खुद ही धीरे धीरे दूर हो जाएं और सेपरेट हो जाएं, क्योंकि अगर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप लंबा समय बिताते हैं तो आप बहुत पीड़ा में ही रहोगे, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, बार बार अपने आप को दुखी करोगे, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो उसकी नेचर है, उसकी वो फितरत का हिस्सा है, वो ऐसा ही करेगा। सो ऐसे ही अगर बात है तो फिर कहीं ना कहीं हमें इस बात को कंसिडर करना पड़ेगा कि अब हमें इस इंसान को मौका नहीं देना, क्योंकि ये इंसान सुधरने वाला नहीं है, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसी चीज़ है जो एक बसे बसाए परिवार को ख़राब कर देता है। देखिए, अगर आपकी इमोशनल नीड है, अपने पार्टनर से आप बात करें, बैठ के उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, क्या आपको दिक्कत है, आप खुल के कम्युनिकेशन रखें, क्योंकि आप खुल के बात करेंगे तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो फिज़िकल नीड किसी की पूरी नहीं हो रही, तो अगर वो फीमेल की पूरी नहीं हो रही अपने हस्बैंड से, तो वहाँ वो शायद महसूस करती है, बता नहीं पाती, तो ऐसा नहीं है। अगर आप खुल के आराम से बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है और घर के अंदर ही वो मैटर रहता है।
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, बातें बाहर जाती हैं, तो वो रिश्ता भी ख़राब होता है और सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। सो यहाँ आपको ये समझना है कि अगर आपका पार्टनर बार बार आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है और उसकी एक पैटर्न या नेचर बन चुकी है, फिर हमें उन चीज़ों को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा। और भी ज़्यादा कोई इश्यूज़ हैं तो देखिए, हस्बैंड वाइफ खुद अच्छे से ज़्यादा रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आप बैठ के बात करें तो। सो आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे कि कहाँ हमें अपने पार्टनर को माफ़ करने की ज़रूरत है और कहाँ नहीं है, किन चीज़ों को हमें सॉर्ट आउट करना है। अगर गलती हो गई है, पछतावा है, तो वहाँ हमें सॉर्ट आउट करके उस रिश्ते को फिर दोबारा सही करके अच्छे से चलाना है। लेकिन जब धोखे वाली ही बात है और बार बार धोखे वाली बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है कि उस रिश्ते को हम खींचे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।